अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रीवियस लेक्चर्स की अगर आप लोग मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने मेंशन की हुई है, नीचे लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर लाजमी विजिट कीजिए। यहाँ पे आई बटन में भी आपको शो होगा, यहाँ से भी जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में वही हमारे पास जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस हैं, हमारे पास लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, उनकी सीरीज चल रही है। उसके अंदर आज के लेक्चर में अगर बात करूं तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूंगा। तीन क्वेश्चन की बात करूंगा, तीनों क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा, अपने वीडियो को आखिर तक देखना, सिंपल कर दूंगा, इजी कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो वीडियो को इसका बटन प्लीज सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास लंबी स्टेटमेंट, अ बलून एंड अ बाइसिकल। एक बलून है भाई, एक गुब्बारा और एक साइकिल की बात कर रहा है। अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अबव अ लेवल। हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, जिसने हमें क्वेश्चन में दी हुई डायग्राम बना के समझेंगे, हम जो हमें जो उसने चीजें गिवन दी हुई है वो लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, बाद में इसको सिंपल चुटकी में हम लोग इसको सॉल्व करके उधर कर देंगे, वो सिंपल है, इजी। अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अबव अ लेवल स्ट्रेट रोड एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। कहता जी उसकी जो मतलब हाइट में चेंज आ रहा है, राइजिंग वर्टिकली ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसकी जो हाइट में चेंज आ रहा है वो आ रहा है जी 1 फीट पर सेकेंड, एक सेकंड में 1 फीट के लिहाज से। जस्ट व्हेन दी बलून इज 65 फीट अबव दी ग्राउंड। कहता है कि अगर उसकी हाइट ग्राउंड से 65 फीट ऊपर है, अ बाइसिकल मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 17 फीट पर सेकेंड पासिस अंडर इट। एक साइकिल जो है ना वो मूव कर रही है, जो साइकिल मूव कर रही है वो 17 फीट पर सेकंड के लिहाज से मूव कर रही है, यानी कि जो dx/dt है, जो भी हम लेंगे बताएंगे आपको बाद में। हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बाइसिकल एंड द बलून इंक्रीजिंग। अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस लिहाज से इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड करना ऑब्वियसली, और इंक्रीजिंग 3 सेकंड लेटर, 3 सेकंड के बाद कितना उसमें आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वो आपने बताना है। हम लोग क्वेश्चन से देखें, हम छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, फिर हम जाना वो क्वेश्चन को देखते हैं उसने हमें क्या बोला हुआ है। तो यहां से देखें, हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33, तो छोटी सी यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप हमारे पास डायग्राम है, वो यहाँ पे बना लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है, हाँ जी, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास, यहाँ पे जी हमारे पास एक बाइसिकल है। मैं साइकिल कैसे बनाऊं, मेरी तो नहीं, मुझे बनाना भी नहीं आती कि साइकिल कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास एक साइकिल है, ठीक हो गया जी, और यहाँ पे जी आपके पास एक गुब्बारा है, इनके बालून जिसे कहते हैं जी, इसको हम लोग बालून का नाम दे देते हैं, BALOON, और ये जी आपके पास BICYCLE, बाइसिकल। इसको जो है ना वो ये जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसको उसने एक्स का नाम दिया हुआ है, टाइम टी के लिहाज से, या हर टाइम टी के लिहाज से इस तरफ मूव कर रही है। इसको उसने जो है ना वो वाई का नाम दिया हुआ है, ये जो आपके पास हाइट है, और इसको जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूस मान रहा है, इसको उसने एस का नाम दिया हुआ है, एस ऑफ टी, ठीक है जी। अब ये बेसिकली हमारे पास डायग्राम है, ये गुब्बारा उधर को जा रही है, साइकिल इधर को जा रही है, हमने क्या क्या चीजें उसने हमें दी हुई है वो लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम जो फाइंड करना है वो लिखते हैं। अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अबव अ लेवल स्ट्रेट रोड एट ए कॉन्स्टेंट रेट। कहता है जी जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हमारे पास वाई ऑफ टी, देखिए जी कहते हैं अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अबव अ लेवल। कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो ना बलून मूव कर रहा है वो किस रेट से उसकी स्पीड में चेंजिंग आ रहा है, उसकी हाइट में चेंजिंग आ रहा है, वो है जो उसने आपको दिया 1 फीट पर सेकंड। हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास बेसिकली ऊपर की तरफ जा रही है, वाई में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy/dt। हम कुछ चीजें गिवन में लिखते हैं 1 फीट पर सेकंड, गिवन में लिखने से बाद में आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर की तरफ 1 फीट पर सेकंड के लिहाज से जा रहा है। जस्ट व्हेन द बलून इज 65 फीट अबव द ग्राउंड। कहता है कि जो बलून है वो ग्राउंड से 65 फीट अबव है, लेकिन हमने यानी कि जो उसने टोटल इसकी हाइट बताई है वो 65 फीट बताई है, लेकिन हमने बेसिकली यहां पे क्या कर रहा है, y = 65 फीट उसने आपको बताई हुई है, लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो एंड पे, क्वेश्चन के एंड पे देखेंगे। इंक्रीजिंग 3 सेकंड लेटर, 3 सेकंड के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए अगर आपके पास इसकी जो ऊपर की तरफ हाइट में चेंज आ रहा है वो 1 फीट पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 फीट आ रहा है, तो कहता है जी 3 सेकंड के लिए फाइंड करना, तो 3 सेकंड में फिर 3 फीट चेंज आएगा, तो फिर जब 3 फीट चेंज आएगा
तो फिर इसमें आप लोग तीन जमा करेंगे तो ये आपको बेसिकली वाई इक्वल बनेगा 68 फीट। समझ आई इस बात की? क्वेश्चन दूसरे में बोला हुआ है कि 3 सेकंड के बाद जो उसकी हाइट है वो आपने फाइंड करनी है, तो हम गिवन में भी वही चीज लेंगे ना। वैसे उसने आपको हाइट बोली 65 फीट है, तो 3 सेकंड के बाद जब 1 सेकंड में 1 फीट बढ़ रही है तो 3 सेकंड में 3 फीट बढ़ेगी, तो 65 जमा 368 फीट, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। पहले गिवन लिखते हैं बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ बाइसिकल मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 17 फीट पर सेकेंड, कहता जी जो बाइसिकल है वो मूव कर रही है किस रेट के लिहाज से, एक्स जो आपके पास डी एक्स बाई डी टी है, जो आपके पास डी एक्स बाई डी टी है वो है जी आपके पास 17 फीट पर सेकेंड। ये आपके पास इसकी चेंज आ रहा है इसके अंदर। हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बाइसिकल एंड बलून इंक्रीजिंग 3 सेकेंड लेटर। अब देखिए 3 सेकेंड यहां पे भी तो हमारे पास फिर अब हमें एक्स की हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है। देखिए हमने क्या निकाला, हमने डी वाई बाई डी टी भी निकाल लिया, हमने वाई भी निकाल लिया, ठीक है, हमने डी एक्स बाई डी टी भी निकाली, हमारे पास अब एक्स नहीं है, ठीक है। हमने तो बेसिकली ये चीज फाइंड करनी है ना, जो डिस्टेंस है जो हमारे पास डी एस बाई डी टी है, हमने बेसिकली वो फाइंड करना है, ठीक है। डी एस बाई डी टी तो हमें करना है फाइंड, डी एस बाई डी टी वो तो चीज हमने फाइंड करनी है ना कि कितना ज्यादा उसमें डिस्टेंस में तब्दीली आ रही है, कितना चेंज आ रहा है। यहां से हमने डी एक्स बाई डी टी उसने 17 फीट दिया हुआ है, लेकिन एक्स फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स हमें चाहिए, तो एक्स हमारे पास बेसिकली क्या होगा। अब डीएस बाई डी टी हमने इसमें करना फाइंड, तो उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमारे पास हमने तो ये लिख लिया कि डी एक्स बाई डी टी हमारे पास 17 फीट पर सेकेंड है जिसमें चेंज आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक्स क्या होगा। देखिए अगर 17 फीट के लिहाज से चेंज आ रहा हो तो 3 सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, यानी कि 1 सेकंड में फर्क आ रहा है 17 फीट का, तो 3 सेकंड में कितना फर्क आएगा, 17 × 3 = 51 फीट पर सेकंड चेंज आ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स फिर आपके पास बेसिकली क्या होगा, 17 × 3 = 51 फीट पर सेकंड, ठीक है। ये मतलब कि 51 फीट पर सेकंड इसका जो है ना डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, बेसिकली चेंज कितना आ रहा है 17 फीट पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद कितना होगा 51 फीट पर सेकंड, तो 17 × 3 = 51 आ गया। ये सारी चीज मैंने पहले गिवन में लिख लिया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है जी एस स्केयर इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है जी। ये हमारे पास एस का स्केयर इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। अब यहां से लेंगे आप लोग इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे बनेगा 2s dS/dt = 2x dx/dt + 2y dy/dt आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे भी 2 मौजूद है, यहां पे भी 2 मौजूद है, यहां पे भी 2 मौजूद है, यहां से 2 लेंगे कॉमन, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इन 2 से कैंसिल कर दें, आपके पास क्या चीज बच गई है, एस डी एस बाय डी टी विच इज इक्वल एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस वाई डी वाई बाय डी टी। ये चीजें आप लोगों के पास बच चुकी हैं। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, आप लोगों और कोई काम नहीं करना। इस एस को आप लोग उधर लेके चले जाए तो ये बनेगा आपके पास डी एस बाय डी टी विच इज इक्वल 1/s, ये है जी आपके पास एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस वाई डी वाई बाय डी टी। अब ये सारी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पहले गिवन में लिख दी, क्या आपको क्वेश्चन करने में आसानी पैदा हो। अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर मारना आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लिखेंगे डी एस बाय डी टी विच इज इक्वल टू 1/s। अब एस की वैल्यू मेरे ख्याल से मैंने अभी तक यहां पर नहीं लिखी, मैं भूल चुका हूं। एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखे किसी भी ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड निकालने के लिए अगर हमारे पास एक साइड और दूसरी साइड दो साइड मौजूद हूं तो थर्ड साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहां पर लगाते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड यहां से निकाल लेते हैं सेपरेटली, एस स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल एक्स हमने भी निकाला यहां पे 51 था, आई थिंक एक्स हमारे पास 51 51 का स्क्वायर प्लस वाई हमने क्या निकाला था, वाई हमने निकाला था 68, तो 68 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एस स्क्वायर विच इज एस बेसिकली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 85, ठीक हो गया जी। इसको आप लोग स्केयर लेके स्केयर रूट लेंगे तो एस आपके पास आएगा 85, क्योंकि कैलकुलेटर में मेरे पास नहीं, आप लोग कर ले 85 यहाँ पे पुट करेंगे 1/85, एक्स हमने निकाला हुआ बेसिकली हमारे पास 51, 51 को मल्टीप्लाई करें डी एक्स बाई डी टी से, डी एक्स बाई डी टी हमने क्या हमारे पास 17 है, उसके बाद प्लस आपके पास वाई क्या है जी, वाई आपके पास 68 है, 68 लिखेंगे, उसके बाद आपके पास डी वाई बाई डी टी हमने निकाला वो हमारे पास 1 है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके 85 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं आपको यहां बता देता हूं, डी एस
बाय डी टी विच इज इक्वल टू, आंसर मैं आपको यहां से बता देता हूं जी क्या आंसर हमारे पास 11 फीट पर सेकेंड। हाँ जी 11 फीट पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का। सो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, ज्यादा लेंथी थी, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि ट्रायंगल के जरिए हमने कैसे पाइथागोरस लगा के मेजरमेंट करके आंसर निकाला, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको 11 फीट पर सेकंड आ जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन 33। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 मेकिंग कॉफी, कॉफी जो है वो बना रहे हैं, के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो इसको समझने में मजा आएगा आपको। मेकिंग कॉफी कहते हैं, कॉफी इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फिल्टर, एक कोन की तरह का फिल्टर है, इनटू अ सिलेंड्रिकल कॉफी पॉट, एक सिलेंडर की टाइप का कॉफी पॉट है, उसमें जरा वो कॉफी गिर रही है, ड्रेन कर रही है, ड्रॉप हो रही है एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब। जब आप आगे तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जो डी वी बाई डी टी होगा, यहाँ पे चले इसको बाद में लिखते हैं गिवन को, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसकी जो है थोड़ी सी लेंथी है, देखते हैं जी काफी हमारे पास कुछ इस तरह से कॉनिकल शेप टाइप उसने कुछ इस तरह से दी हुई है, तो गुजारा कीजिएगा क्योंकि मेरी ये क्या कहते हैं इसको पता नहीं, पेंटिंग कहते हैं, मेरी नहीं सही है ये, कुछ इस तरह से हमारे पास। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है जी, आप काफी पार्ट उसने दिया हुआ है, पता नहीं कैसे बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से कर ले, तो ये है जी, ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की तरह का ना, हाँ सिलेंड्रिकल शेप की तरह का, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर आई थिंक होता है, तो ये है जी हमारे पास। हाँ जी कुछ इस तरह से, इसके अंदर भी कुछ काफी आपके पास मौजूद है, और ये नीचे जाना इसके अंदर गिर रही है, तो इसके अंदर इस तरह से गिर रही है ये, तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना आपको बताते हैं, ये इसके अंदर जाना वो काफी ऊपर से गिर रही है जी, ठीक है। कहता है इसके इस कोण से जो नीचे काफी गिरी है उसमें काफी गिरने का रेट, कम होने का रेट आपने निकालना है, और इसमें भरने का रेट निकालना है, जाहिर है उसमें से इसमें आ रही तो उसमें भर रही है, इसमें भरने का आपने रेट निकाला, आई थिंक यही उसने पूछा हुआ है, तो ये चीज हम निकालेंगे। पहले हमने उसने हमें इसकी जो हाइट दी हुई है कोन की, वो उसने आपको 6 फीट दी हुई है, इसका जो उसने आपको दिया हुआ है ना डायामीटर, जो दिया हुआ डायामीटर वो भी उसने आपको दिया हुआ जी 6 फीट, अगर डायमीटर 6 फीट है तो फिर इसका रेडियस जो आर होगा वो 3 फीट होगा, जाहिर डायमीटर का जो हाफ होता है उसका रेडियस होता है। नीचे ये जो आपके पास उसने दिया हुआ है इसका डायमीटर भी उसने आपको कितना दिया हुआ है जी, सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर भी उसने आपको 6 फीट दिया हुआ है, तो इसका फिर रेडियस भी आपके पास 3 होगा। ये चीजें उसने बेसिकली आपको दी हुई है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि उसने हमें क्या चीजें गिवन में दी हुई है, तो देखिए जी क्या कहते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कहते हैं जी कॉफी इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फिल्टर इनटू सिलिंड्रिकल कॉफी पॉट, हमने वॉल्यूम उसका लिख लिया, जो कि हमारे पास नहीं लिखा, बल्कि वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग इसका लिख लेते हैं जी 10 इंच क्यूब पर मिनट। हमारे पास है जी डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू 10 इंच क्यूब पर मिनट, एक मिनट में इतना जाना उसका वॉल्यूम ड्रेन कर रहे हैं। हमने हमारे पास उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, पहले पार्ट में कहते हैं हाउ फास्ट इज द लेवल इन द पॉट राइजिंग व्हेन द कॉफी इन द कोन इज 5 इंच डीप, कहते हैं कि जो आपके पास इसका लेवल है कॉफी पार्ट, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉफी पार्ट है, इसके अंदर जो कॉफी का लेवल राइज कर रहा है वो किस रेट से राइज कर रहा है, उसमें कितनी किस तरह से तब्दीली आ रही है वो आपने फाइंड आउट करना ही, ऑब्वियसली इसका जो बढ़ेगा तो उसकी हाइट में चेंज आएगा, तो हमने इसकी हाइट ही फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हाइट हम कैसे इसकी फाइंड करेंगे, हमारे पास बेसिकली जो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पे ए पार की बात करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वो होता है हमारे पास बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास डी वी बाय डी टी विच इज इक्वल टू पाई, अब देखें आर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, आर क्यों कॉन्स्टेंट है ये बता देता हूँ, देखिये जो जो इसकी हाइट में चेंज आ रहा है ना, इसमें जो काफी भर रही है, इसके रेडियस में कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई, क्योंकि रेडियस इसका उतना ही रहता है क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, अगर कोण की बात करें तो कोण में अगर ये कम ज्यादा तो उसके इस तरह से जा रहा है ना, इसके रेडियस में चेंज आएगा, अगर पहले यहां से लेके डिस्टेंस कम है, यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से लेके यहाँ कॉर्नर का डिस्टेंस और ज्यादा है, तो डायमीटर जब चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगा कोण के मतलब लिहाज से। पापड़ खा लो, देखिए नहीं
अब लेकिन सिलेंड्रिकल शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर रेडियस बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, तो जब रेडियस कॉन्स्टेंट है तो फिर रेडियस को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, हाइट में चेंज आएगा तो डी एच बाई डी डी, इसका डायरेवेटिव लेंगे तो पड़ेगा डी एच बाई डी टी आ जाएगा। अब रेडियस कितना है, अगर इसका डायमीटर आपके पास 6 है तो रेडियस 3 फीट है, 3 होगा तो रेडियस की जगह आप 3 पुट करेंगे और डीवी बाई डी टी की जगह पर 10 पुट करेंगे, डी एच बाई डी टी का आंसर आपके पास आ जाएगा। देखते नहीं हमारे पास डीवी बाई डी टी बस उसने 10 दिए और 10 विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी एच बाई डी टी। आप पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके चले जाए तो बनेगा 10 ओवर पाई आर, यानी कि रेडियस आपके पास बस उसका रेडियस आपके पास होगा 3 फीट, क्योंकि डायमीटर इसका 6 है तो रेडियस 3 होगा, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। अब 10 ओवर 3 का स्क्वायर 9, 10 ओवर 9 पाई, किस लिहाज से हमारे पास ये इसमें चेंज आ रहा है, हम देख लेते हैं जी यहाँ पे इंचीज पर मिनट, हाँ जी इंचीज पर मिनट इसकी हाइट में चेंज आ रहा है डी एच बाई डी टी, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। देखिए कितना सिंपल कितना इजी मैंने कर दी है, बहुत शॉर्ट सा बहुत सिंपल सा मैंने कर दी है, ये हमारे पास वॉल्यूम था सिलेंडर का उसका डेरिवेटिव भी हमारे आंसर निकला है। अब दो मेन चीज वो हमारे पास आते हैं कोण की, कोण का हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे बी पार्ट के अंदर, तो बी पार्ट यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब देखते हैं बी पार्ट में एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि बी पार्ट में ऑब्वियसली इसका रेडियस चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे आपके पास इसका आर रेडियस 3 है तो और हाइट जो उसने मैं आप टोटल हाइट उसकी बोली हुई है वो आपके पास है 6 फीट, ठीक है। तो रेडियस और हाइट में पहले हम रिलेशन निकालेंगे बाद में इसको हल करेंगे, तो रेडियस और हाइट में रिलेशन निकाल दो, रेडियस का 3 है हाइट टोटल इसकी 6 है। अब यहां से हम लोग यहां से क्योंकि हमने इसकी हाइट में कितना चेंज आ रहा है वो निकालना है, इसमें जो इसकी जो गहराई है जिसकी जो हाइट है वो कम हो रही है क्योंकि काफी इसमें आ रही है उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट में चेंज निकाल रहा है तो डी एच बाई डी टी हमने निकालना है। लेकिन यहां से हम आर का रिलेशन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 6 आर विच इज इक्वल टू 3 एच, आर विच इज इक्वल टू 3 बाई 6 एच, आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 एच, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो आर निकल आया। अब जो अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे उसके अंदर हम आर की जगह पे एच बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जी अब बेसिकली अगर हम बात करें कोण के वॉल्यूम की, तो कोण का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेसिकली यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आर की जगह पे हम लोग पुट करेंगे यहां से एच बाई 2, तो आज एच बाई 2 पुट करोगे बनेगा जी आपके पास 1/3 पाई इंटू एच एच बाई 2 का स्क्वायर और साथ आपके पास यहाँ पे एच आ गया, तो ये बनेगा वी विच इज इक्वल टू अब पाई बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, एच का स्क्वायर और एच आपके पास बनेगा एच क्यूब, ये चीज आपके पास बन जाएगी। अब ले आप लोग इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनने जा रहा है डी वी बाय डी टी विच इज इक्वल टू पाई बाय 12 कॉन्स्टेंट है वैसे का वैसे आएगा, ये बनेगा 3 एच स्क्वायर और फिर एच का डेरिवेटिव होगा डी एच बाय डी टी, ये चीज आपके पास बन जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करेंगे डी वी बाई डी टी, बेसिकली आपके पास यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 10, लेकिन 10 पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे बेसिकली हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो काफी की हाइट है वो डिक्रीज हो रही है उसमें कमी आ रही है, जो कमी आ रही है तो उसके साथ माइनस लगेगा, तो यहाँ पे 10 के साथ आएगा माइनस टेन विच इज इक्वल टू पाई बाय 12 3 5 का स्क्वायर डी एच बाय डी टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 5 कहां से, एच की जगह पे 5 हमें कहां से, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी हाइट उसकी जो डीपनेस है वो 5 फीट है, तो फिर उसका आंसर फाइंड करें, क्वेश्चन में देखें उसने आपको हाइट 5 फीट दी हुई है तो एच की जगह पे हमने 5 पुट किया तो 5 का स्क्वायर बन गया डी एच बाई डी टी हमारे पास आ चुका। अब देखें यहां पे हम लोग क्या करेंगे -10 विच इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पाई बाय 12 डी एच बाई डी टी आ जाएगा। अब इन चीजों को इधर ले आए, -10 को मल्टीप्लाई कर दे 12 के साथ 75 पाई आ जाएगा नीचे डी एच बाई डी टी, इनको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है जी, कैंसल आउट करके चेक करते हैं जी, -8/5 पाई इंचीज पर मिनट, हाँ जी इंचीज पर मिनट, ये आ गया जी आपके पास डी एच बाई डी टी, ये था हमारे पास फाइनल आंसर। हमारे पास हमने दोनों पार्ट हल कर लिए, 34 का ए पार्ट भी देखा बी पार्ट भी देखा, ए पार्ट में सिलेंडर की बात की उसके वॉल्यूम का फार्मूला लिखा,
बी पार्ट में कोनिकल शेप की बात की, उसके वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, डेरिवेटिव लिया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, सिंपल था, इजी था। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस को देख के एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वॉच कर रहे होते, व्यूज तो अच्छे आ रहे होते, सब्सक्राइब नहीं आ रहे होते, तो आपकी मेहरबानी, सब्सक्राइब लाजमी किया करें जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हूँ, देन अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की। नेक्स्ट है जी मेरे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना वो हाथी से भी ज्यादा बड़ा है, 35 क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो उसने मेरे ख्याल से जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दी हुई है, लेकिन इतना शार्ट सा क्वेश्चन है ये कि आप जब करेंगे समझेंगे तो आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जाना यहाँ से लेके कराची तक उसने आपको स्टेटमेंट दे दी हुई है, कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है। कहते जी इन दी लेट 1860s एडोल्फ फिक, पता नहीं क्या क्या नाम बोलोगे, अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन दी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इन वुर्ज़बर्ग, इसी शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है, जर्मनी, जर्मनी के अंदर, डेवलप्ड वन ऑफ द मेथड्स वी यूज टुडे फॉर मेजरिंग हाउ मच ब्लड योर हार्ट पंप्स इन अ मिनट। कहता है कि आपका जो ना वो हार्ट एक मिनट में कितनी दफा पंप करता है, जो भी कितना ब्लड पंप करता है, वो उसने बताया इसके बारे में। योर कार्डियक आउटपुट एज यू रीड दिस सेंटेंस इज प्रोबेबली अबाउट 7 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 7 लीटर जो ना वो पंप करता है। देखिए कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी है। At rest, it is likely to be a bit under 6 liter per minute. अगर rest में आप लोग rest कर रहे हैं, सुते पे हो, फिर 6 liter per minute है। If you are a trained marathon runner running a marathon, your cardiac output can be as high as 30 liter per minute. जरा की अगर आप लोग रनिंग कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो 30 लीटर पर मिनट आपका जो ना वो हार्ट आपके ब्लड को पंप कर रहा होता है। Your cardiac output can be calculated with the formula उसने आपको दिया हो, y is equal to q by d, उसने आपको formula यहाँ पे हम लिख लेते हैं, y is equal to q by d, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है जी y which is equal to q by d, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, q d को प्ले लिया तो d का इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। कहता है मैंने q is the number of milliliters of carbon dioxide you exhale, जो भी उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, काफी लेंथी स्टेटमेंट है। हम बेसिकली जो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसने आपको थीटा सॉरी क्यू की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 233 मिलीलीटर पर मिनट, और उसने आपको डी की जो वैल्यू दी हुई है वो जी आपके पास 41 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है जी, मिलीलीटर पर मिनट और मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है जी। नीचे आ रहे हैं, उसने खुद भी एक प्रॉब्लम हल किया, वो नीचे उसने बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर नीचे आए सबसे आखिर वाले जो एंड पे तीन लाइन है वहां पे आ रहे, सपोज दैट व्हेन क्यू इज इक्वल टू आपके पास 233 और डी आपके पास 41 है। अब देखिए क्यू और डी बेसिकली आपके पास क्या, क्यू उसने बोला हुआ थी नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्यू प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डी जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जो भी उसने दिया हुआ है, डी 41 है हमने लिख लिया और क्यू आपके पास 233 हमने वो भी लिख लिया। कहता है जी डी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स अ मिनट, डी जो आपके पास डिक्रीज हो रहा है इसके इसमें चेंज आ रहा है, डी में चेंज आ रहा है, तो डी डी बाई डी टाइम के लिए ऐसे चेंज आ रहा है, वो कितना आ रहा है डिक्रीज आ रहा है, तो माइनस उससे तो मैं 2 बोल लगना माइनस होने के वो डिक्रीज हो रहा है, तो -2 यूनिट्स अ मिनट, ठीक है, जो भी हमने यहां लिख दिया -2। हमने फाइंड क्या करना है, What is happening to the cardiac output? हमने इसके फार्मूले का डेरिवेटिव लेना, इसका आंसर निकाल। What is happening to the cardiac output? ये हमारे पास जो फार्मूला y is equal to qd inverse, हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। लिखे यहाँ पे y is equal to q qd inverse, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा डी बाय बाय डी टी विच इज इक्वल टू, ऑब्वियस दोनों और आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, हॉस्पिटल रूल क्या होता है, और भी हमारे पास क्वेश्चन टूल है और पावर रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए, अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाए आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। लाजमी देखिए यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, पहले क्यू वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर डी इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा -1 पीछे आ जाएगा, और डी की पावर में एक और माइनस करेंगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है, साथ हम डी का डेरिवेटिव ये बनेगा, ये बनेगा डी डी बाय डी टी प्लस, अब डी इनवर्स वैसे का वैसे आ जाएगा, दूसरी टर्म वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ डी क्यू बाय डी टी बन जाएगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपके पास है जी डी वाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू, ये माइनस पहले लिख लें,
माइनस ये आपके पास क्यूब है, डी की बाय माइनस टू को नीचे ले जाए, ये बनेगा डी का स्केयर, साथ आपके पास डी डी बाय डी टी प्लस डी इनवर्स को नीचे ले जाए वन ओवर डी, ये है जी आपके पास डी क्यू बाय डी टी। अब करते हैं हम लोग वैल्यू स्पूट को देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, डी वी टी डी वाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू क्यू, उसने आपको दिया हुआ है 233 माइनस 233 ओवर डी, उसने आपको दिया 41, तो 41 का स्केयर हो जाएगा, डी डी बाय डी टी उसने माइनस टू दिया हो तो माइनस टू लिखेंगे, प्लस वन ओवर डी उसने आपको दिया हो तो 41 लिखेंगे, और डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी उसने आपको क्या दिया हुआ जी किधर गया, और डी क्यू बाय डी टी किधर गया है, जे हमारे पास क्यू है, क्यू इज इक्वल टू आपका देखें क्यू है आपके पास 233, ये ब्लैक हो गया अचानक से पता नहीं क्या जादू हो गया इसमें, क्यू इज इक्वल टू 233, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी क्यू बाय डी टी, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ पे आप लोग जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, अब देखिए जी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर मारना है, इसको करना आपने कैलकुलेटर पे डी वाई बाय डी टी, तो कैलकुलेटर में करने से आपके पास क्या आंसर आएगा जी, हम यहां देख लेते हैं 0.2772 लीटर पर मिनट, इतना जाना वो आपका हार्ट, इसलिए उसकी आउटपुट इतना वो ब्लड पंप कर रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर, हमने सिंपल वही जो उसने फार्मूला दिया वो लगा डेरिवेटिवली वैल्यू पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया था, हमारे पास 35 का कंप्लीट आंसर, फिर समझ नहीं आती, अगर आप लोग कैंडिडेट नोट्स बाय करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब लाजमी किए करें, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।